शराब्दिक है टेक्निकल्स का यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 5 मोस्ट यूनिक एंड्रॉइड एप्लीकेशंस जो कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा एंड काफी यूजफुल भी है। एंड ऑफ कोर्स लेकर आया हूँ 2 एक्स्ट्रा बोनस एप्लीकेशंस उन लोगों के लिए जो लोग इस वीडियो को लास्ट तक देगा। सो यस, इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड हर बार की तरह इस बार भी रखते हैं 1500 लाइक्स का टारगेट। सो प्लीज कम्प्लीट कर देना जल्द से जल्द एंड स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला वाला एप्लीकेशन है उसका नाम है लामा चैट। इसको आप एक न्यूली लॉन्च्ड सोशल मीडिया भी कह सकते हो क्योंकि ये हाल ही में प्ले स्टोर पर लॉन्च किया गया है एंड ये बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह काम करता है। लाइक यहाँ पर आपको सिर्फ अपने फ्रेंड्स का नंबर सेव करना होता है, फोन नंबर, उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग कर सकते हो इस एप्लीकेशन के थ्रू। चैटिंग वगैरह तो ठीक है, लेकिन इस एप्लीकेशन पर आपको और एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है जो कि एक बोनस फीचर है। वो ये है कि आप इस एप्लीकेशन के जरिए कुछ इस टाइप के एनिमेशन जो है क्रिएट कर पाओगे। जब आप इस एप्लीकेशन पर न्यूली लॉग इन करोगे तो फिर आपको पहले टाइम पर ही यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपको कौन सा कैरेक्टर चूज करना है, मेल या फिर फीमेल। सो आप अपने खुद के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना कैरेक्टर चूज कर लो एंड उस कैरेक्टर को आप यहाँ पर कस्टमाइज कर पाओगे। एज यू कैन सी, कस्टमाइज करने के बाद आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन का लुक है वो आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा एंड नीचे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एक तो है कैमरे का ऑप्शन और दूसरा है कैरेक्टर को एडिट करने का ऑप्शन एंड तीसरा है अपने फ्रेंड्स को इस एप्लीकेशन को शेयर करने का ऑप्शन। सो पहले तो आप अपने कैरेक्टर को कस्टमाइज कर लो, उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर कैमरे पर टैप करोगे तो फिर आप जो है देख सकते हैं कि आपका जो कैमरा है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप अपने कैरेक्टर को फुल्ली कंट्रोल कर पाओगे, लाइक आप इसको घुमा पाओगे, उसके बाद आप इसको छोटा या फिर बड़ा कर पाओगे एंड नीचे यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर टैप करके आप अपने कैरेक्टर को किसी भी टाइप का एक्टिविटीज करवा सकते हो लाइक दिस एंड ऐसे करके आप अपने कैरेक्टर का पिक्चर या फिर वीडियो शूट कर पाओगे। आप चाहो तो उस वीडियो या फिर फोटो को डायरेक्टली सेव कर सकते हो अपने गैलरी पे या फिर किसी के साथ भी शेयर भी कर पाओगे। एंड यहाँ पर मैसेजेस को सेंड करना भी बहुत ही ज्यादा मजेदार है क्योंकि आप देख सकते हो कि मैं जितना भी मैसेज लिख रहा हूँ उसी के साथ मैं चाहूँ तो उस मैसेज का जो थीम है उसके साथ मैं बहुत कुछ ऐड करके अपने फ्रेंड को भेज सकता हूँ। एज यू कैन सी, लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया चाय पी लो, उसके बाद मैं यहाँ पर स्माइली वाला थीम ऐड कर दिया एंड दिखने में भी बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती भरे चैटिंग करना चाहते हो तो फिर इस एप्लीकेशन को मैं जरूर से डाउनलोड करके यूज करने के लिए रिकमेंड जरूर से करूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है अल्ट्रा लॉक। ये एक ऐप लॉकर भी है एंड साथ ही साथ एक फाइल हाइडर भी है, यानी कि इस एप्लीकेशन के जरिए आप जितने भी एप्लीकेशन से आपके स्मार्टफोन पर उनको आप लॉक कर पाओगे एंड इमेजेस एंड वीडियोस जैसे फाइल्स को आप हाइड कर पाओगे। अभी आप कहोगे कि इसमें ऐसा कौन सी खास बात है, ऐसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, लेकिन गाइस इसका एक यूनिक फीचर ये है कि इस पर आप लॉक तो कर पाओगे पिन कोड के साथ या फिर पैटर्न के साथ, लेकिन अगर आप पिन कोड के साथ इसको लॉक करोगे तो फिर आप यहाँ पर यूनिक तरीके से जो है लॉक पिन को सेट कर पाओगे जो कि हर मिनट आपका पिन चेंज होता रहेगा या फिर आपकी मर्जी से यहाँ पर हर डेट आपका जो पिन है वो चेंज होता रहेगा। सो फर्स्ट टाइम जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो फिर तो आपको पहले टाइम पर यहाँ पर अपना पिन सेट करना पड़ेगा ही, लेकिन जब आप यहाँ पर जो 3 डॉट्स है उस पर टैप करोगे तो फिर आपको यहाँ पर लॉक मोड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उस पर अगर आप टैप करोगे तो फिर आपको यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा, लाइक आप कौन से टाइप के पिन लॉक चाहते हो, लाइक मिनट के अकॉर्डिंग या फिर घंटे के अकॉर्डिंग या फिर डेट के अकॉर्डिंग, जो भी हो। अगर आप यहाँ पर आवर्स एंड मिनट को सेट करते हो तो फिर यहाँ पर आपका जो पिन है वो हर मिनट चेंज होता रहेगा। एज यू कैन सी कि मैं यहाँ पर लॉक करने के बाद जैसे ही मैं एप्लीकेशन को ओपन करने जाता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर पिन डालने के लिए बोल रहा है। मैं यहाँ पर मेरे टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख देता हूँ, लिखने के बाद ही आप देख सकते हैं कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुका है एंड उसी के 1 मिनट बाद अगर मैं सेम पिन डाल के इसको ओपन करने जाता हूँ तो फिर मेरा ये एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा। मुझे एग्जैक्ट उसी आवर्स एंड उसी मिनट को जो है यहाँ पर इनपुट करना है। सो किसी को समझ नहीं आएगा कि आपका जो पिन है वो एक्चुअली क्या है। बहुत ही यूजफुल एंड बहुत ही यूनिक एप्लीकेशन है, जरूर से ट्राई करके देखना एंड अगर आपको यह एप्लीकेशन पसंद आता है तो फिर कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह एप्लीकेशन कैसा लगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है 8
एलीट फोटो लैब। नाम से पता चलता है कि ये एक कैमरा एप्लीकेशन है एंड इस कैमरे के जरिए आप कोई भी नॉर्मल पिक्चर तो क्लिक नहीं कर पाओगे। आप अगर इस कैमरे के जरिए किसी पिक्चर को क्लिक करते हो तो फिर फटाक से जो है आपको कुछ इस टाइप का पिक्सेलेटेड इमेज देखने को मिल जाएगा। ये थोड़ा यूनिक टाइप का थिंकिंग के ऊपर बेस करके इसको बनाया गया है आई थिंक, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी पिक्चर को इस एप्लीकेशन के जरिए क्लिक करते हो तो फिर आपको यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स देखने को मिल जाएगा। सभी के सभी फिल्टर्स यहाँ पर पिक्सेलेटेड है। एज यू कैन सी कि आप यहाँ पर जो पिक्सल्स है उनको आप घटा सकते हो या फिर बढ़ा सकते हो। मैक्सिमम फीचर्स आपको यहाँ पर अनलॉक्ड दिख जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ फीचर्स है जिनके लिए आपको इसको परचेस करना पड़ेगा, इसका जो प्रो वर्जन है उसको। लेकिन गाइज आप देख पाओगे कि यहाँ पर आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने पिक्चर्स को एडिट कर पाओगे बहुत ही प्रोफेशनली। एंड पिक्सेलेटेड इमेज मैंने आज तक नहीं खींचा, लेकिन अभी से मैं इस टाइप के पिक्चर्स क्लिक करने की ट्राई जरूर करूंगा एंड इस टाइप के पिक्चर्स मैं डालूंगा मेरे इंस्टाग्राम पर। अगर आप देखना चाहते हो तो फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है वन सी कीबोर्ड। नाम से पता चलता है कि ये एक कीबोर्ड एप्लीकेशन है एंड अगर आप इस एप्लीकेशन को अनेबल करते हो एज ए कीबोर्ड तो फिर आप देख पाओगे कि यहाँ पर जितने भी बटन है वो बहुत ही बड़े बड़े है एंड राउंड टाइप के है। इस कीबोर्ड को बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन लोगों के उंगलियां थोड़े से मोटे है एंड उन लोगों को मतलब अपने स्मार्टफोन पर टाइपिंग करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुझे भी पहले टाइम पर इस पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, बिकॉज अगर मैं व्हाट्सएप पर जाके इस कीबोर्ड को ओपन करता हूँ तो फिर 70% मुझे कीबोर्ड ही दिखाई देता है एंड बाकी 30% मुझे डिस्प्ले दिखाई देता है, जिससे कि मतलब क्या लिख रहा हूँ या फिर क्या भेज रहा है कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन फाइनली मुझे इसका एक सोल्यूशन मिल गया था, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर स्पेस पर होल्ड करके रखता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उन ऑप्शन के जरिए आप चाहो तो इस कीबोर्ड का जो साइज है उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर पाओगे बहुत ही आसानी से एंड यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट एंड कट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। ऐसा कुछ खास तो है नहीं इस कीबोर्ड पर, लेकिन इसका जो लुक है वो मुझे बहुत ही ज्यादा यूनिक लगा। उसके बाद जो एप्लीकेशन है उसका नाम है पार्टिकल कॉन्स्टेलेशन लाइव वॉलपेपर। यस, ये एक लाइव वॉलपेपर एप्लीकेशन है जिसको अगर आप अप्लाई करते हो अपने स्मार्टफोन पर तो फिर आपको कुछ इस टाइप का लाइव इफेक्ट के साथ आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा, जो कि दिखने में काफी क्लासिक एंड काफी मिनिमल एंड काफी कूल लगता है। एनीवेज आप चाहो तो यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स है उनका जो साइज है उसको आप कस्टमाइज कर पाओगे एंड इसका जो फ्रेम रेट है उसको भी आप कस्टमाइज कर पाओगे। दिखने में काफी अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया इस वीडियो पर, सो ट्राई करके देख सकते हो। सो ये तो हो गया 5 मोस्ट यूनिक एंड्रॉइड एप्लीकेशंस। अभी बढ़ते हैं 2 एक्स्ट्रा बोनस एप्लीकेशंस की ओर। सो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है स्टिकी नोट्स। ये बहुत ही यूजफुल एक एप्लीकेशन है गाइस, मतलब बहुत ही यूजफुल है, बिकॉज अगर आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो फिर आप देख सकते हो कि फटाक से जो है आपको यहाँ पर एक स्टिकी नोट का जो फ्लोटिंग विजेट है वो आपको शो करेगा, जिसको आप कहीं पर भी मूव कर पाओगे एंड आप चाहो तो इसका जो साइज है उसको कस्टमाइज कर पाओगे एंड यहाँ पर जो प्लस का आइकन है उस पर आप जितने बार दबाओगे उतना ही आपको यहाँ पर फ्लोटिंग विजेट या फिर फ्लोटिंग टैब आपको देखने को मिल जाएगा एंड इन सभी को यूज करके आप चाहो तो मल्टी कॉपी कर पाओगे किसी भी आर्टिकल का एंड आप चाहो तो इनसे लेटर्स को कॉपी भी कर पाओगे एंड आप चाहो तो किसी भी आर्टिकल से अगर आप किसी भी चीज को कॉपी करते हो तो फिर आप इस पर पेस्ट भी कर पाओगे। एंड अगर आपको लगता है कि ये सभी चीजें आपके स्क्रीन को मतलब कि एकदम से कवर कर रहा है तो फिर आप नॉर्मली इनको साइड करके रख दो तो फिर ये छोटे छोटे टैब पर आपको सॉर्टेड देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी यूजफुल पॉइंट है इस एप्लीकेशन का। एज ए यूट्यूबर मैं इस एप्लीकेशन को बहुत ही ज्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे टाइटल लिखने में एंड डिस्क्रिप्शन टैग्स वगैरह लिखने में बहुत ही मतलब मदद मिल जाता है इस एप्लीकेशन के जरिए। सो आप में से जितने भी लोग कॉपी पेस्ट जैसे काम बहुत ही ज्यादा करते हो तो फिर मैं इस एप्लीकेशन को एक बार ट्राई करने के लिए जरूर से रिकमेंड करूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो भी एक वॉलपेपर एप्लीकेशन है जिसका नाम है पिक्सल वेब वॉलपेपर। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको ऑन रखना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर जितने भी वॉलपेपर्स है वो आपको शो नहीं करेगा। सो इंटरनेट कनेक्शन को ऑन करने के बाद जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो फिर आप देख पाओगे कि यहाँ पर जितने भी वॉलपेपर्स है वो सभी के सभी पिक्सेलेटेड है, जैसे कि मैंने 8-bit फोटो लैब के बारे में मैंने बताया था उसी टाइप के पिक्चर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जितने भी पिक्चर्स है वो सभी के सभी बड़ी कमाल के है, क्योंकि बहुत ही यूनिक स्टाइल का वॉलपेपर है एंड दिखने में भी काफी कार्टूनिक सा लगता है, अच्छा लगता है दिखने में। सो अगर आप इनमें से किसी भी एक वॉलपेपर को ओपन करोगे तो फिर आपको यहाँ पर एक लाइक करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा एंड नीचे आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। एक तो है कि आप चाहो तो डायरेक्टली इसको एज ए वॉलपेपर सेट कर पाओगे एंड यहाँ पर आपको एक सेव का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिस पर अगर आप टैप करोगे तो फिर ये डायरेक्टली सेव हो जाएगा आपकी गैलरी पर एंड आप चाहो तो यहाँ पर टैप करके इसको शेयर भी कर पाओगे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये एप्लीकेशन एंड काफी यूनिक स्टाइल का है, सो आप भी इसको ट्राई करके देख सकते हो। सो यस, यही था आज का ये 5 मोस्ट यूनिक एंड्रॉइड एप्लीकेशंस एंड साथ ही 2 एक्स्ट्रा बोनस एप्लीकेशंस। अगर आपको ये एप्लीकेशन पसंद आता है तो फिर मैंने सभी एप्लीकेशंस का जो डाउनलोड लिंक है वो एज ऑल
वाला ओएस मैंने डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया है, आप वहां से उन एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। एंड कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सबसे ज्यादा अच्छा लगा। एंड टारगेट तो याद ही है 1500 लाइक्स का टारगेट, सो कंप्लीट कर देना जल्द से जल्द। एंड उसी के साथ हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड जो तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और किसी एक्साइटेड वीडियो के साथ, सो गुड बाय।